बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आगामी 28 तारीख को सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब दरभंगा जा रही हैं। दरभंगा का उनका दौरा है, लेकिन इस दौरे से पहले राजनीतिक जो हलचल है वो तेज हो चुकी है पूरे बिहार में। और ये राजनीतिक हलचल, ये राजनीतिक तापमान किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने समर्थकों ने बढ़ाया है, जिसके बाद से हेना साहब को एक चिट्ठी जारी करना पड़ा है। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बताएंगे, और क्यों उन्होंने कहा है जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, अगर इस तरह की कोई भी पोस्ट करते हैं, राजनीतिक पोस्ट, इस दरभंगा से जुड़ा हुआ पोस्ट, कोई भी राजनीतिक पोस्ट वो करते हैं तो समझ लीजिए वो हमारे शुभचिंतक नहीं है। आखिर हेना साहब ने ऐसा क्यों कहा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हेना साहब ने खुद इस लेटर को जारी किया, ये देखिए हेना साहब का ये सिग्नेचर है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ लिखा इस लेटर में ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए उन्होंने लिखा है, मेरे प्रिय बिहारवासियों, मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम मेदारी कारवा के स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को मुझे दरभंगा जाना है। 3 महीना पहले इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नजरे आलम जी एवं वहाँ के बहुत सारे लोग आए थे यह निमंत्रण लेकर। उनका असीम स्नेह और प्रेम को देखकर मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और जाने का फैसला किया। इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की इस संस्था के प्रति बहुत रुचि थी, यानी शहाबुद्दीन साहब भी इस कार्यक्रम में जाते थे और इस संस्था के प्रति शहाबुद्दीन साहब की रुचि थी, जिसको हेना साहब ने दर्शाया है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस कार्यक्रम में अपने लोगों के साथ शामिल हुए थे, यानी शहाबुद्दीन साहब, और सभी बिहार राशियों का बहुत स्नेह मिला था। स्थापना दिवस के अवसर पर वहाँ कौमी एकता कॉन्फ्रेंस एवं मुशायरा का आयोजन किया गया है। यह एक पारिवारिक कार्यक्रम की तरह है, यह राजनीतिक यात्रा या राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप न देने की मैं अपील करती हूँ। मतलब हेना साहब ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि एक पारिवारिक कार्यक्रम की तरह है और इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। साथ ही साथ उन्होंने देखिए एक चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया है, मेरे परिवार का या साहब का शुभचिंतक नहीं है। क्यों लिखा है उन्होंने ये बात, उन्होंने इसलिए लिखा है कि देखिए राजनीतिक रूप न देने में अपील करती हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की ऑफिशियल फेसबुक आईडी या ट्विटर अकाउंट नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया पर हमसे संबंधित किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ पोस्ट शेयर करता है तो मेरे समर्थक या मेरे शुभचिंतक नहीं होंगे, इसलिए सोशल मीडिया के किसी भी भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दे। मैं एक व्यक्तिगत कार्यक्रम अपने लोगों के साथ अपने लोगों के बीच जा रही हूँ, यानी अपने लोगों के साथ अपने लोगों के बीच जा रही हूँ और ये एक पारिवारिक कार्यक्रम की तरह है, उन्होंने बताया है। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। साथ ही मैं अपने साथ चलने वाले सभी अपने लोगों से सबका मान सम्मान रखते हुए धैर्य एवं शांतिपूर्ण तरीके से चलने के साथ साथ किसी भी तरह के नारेबाजी से बचने की अपील करती हूँ। आप सभी का धैर्य एवं संयम हमारी ताकत है। मैं इस बात को मेरे पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निजी सचिव अरुण कुमार मुन्ना के द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ। हेना साहब ने ये चिट्ठी जारी की है, उनके जो सिवान के जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब थे उनके जो निजी सचिव अरुण कुमार मुन्ना, उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया लेटर है जिस पे हेना साहब ने सिग्नेचर भी किया है। तो सवाल ये है कि अगर हेना साहब ये कह रही हैं कोई पारिवारिक कार्यक्रम में जा रही हैं तो फिर ये वो लोग कौन हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। हेना साहब के इस कार्यक्रम के बाद जैसे कई सारे लोग हैं जो तेजस्वी यादव पर, राजद परिवार पर लगातार निशाना साध रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हेना साहब का शक्ति प्रदर्शन है, जिसके देखने के बाद राजद घबरा गई है, लालू परिवार घबरा गया है। लेकिन जो समर्थक उनको ये समझना चाहिए कि हेना साहब क्या कहना चाहती हैं। खुद हेना साहब राजनीतिक रूप से इस कार्यक्रम को नहीं देख रही हैं, उनका कहना है कि साफ तौर पे ये मेरा पारिवारिक कार्यक्रम की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पति जो शहाबुद्दीन थे वो भी लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हुआ करते थे और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीना पहले जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने आकर निमंत्रण दिया था, जिसके बाद इन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था और इसलिए उस कार्यक्रम में जा रही हैं।
कार्यक्रम में क्या होने वाला है ये जान लीजिए। कार्यक्रम में वहाँ पे ऑल इंडिया एक मुशायरा होना है, कवि सम्मेलन और मुशायरा होने वाला है वहाँ पे, और उस कार्यक्रम में हेना साहब शिरकत कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है राजनीतिक मंच नहीं है जिसको राजनीतिक ग्रुप से जोड़ के देखा जाना चाहिए। खास करके उन्होंने उन समर्थकों को कहा है जो सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि मैं उनका बहुत करीबी हूँ, ये दिखाने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा लिए गए निर्णय या उनके द्वारा डाले गए पोस्ट से कहीं ना कहीं हेना साहब को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, उसामा साहब को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हेना साहब ने एक चिट्ठी जारी करके साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया।